गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम उमेश कुमार फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक टेस्ट ऑन ब्रिक्स। स्टूडेंट, वी आर परफॉर्म टेस्ट ऑन ब्रिक इन डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन टेस्ट, सेकंड क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, थर्ड हार्डनेस टेस्ट, फोर्थ शेप एंड साइज कलर टेस्ट, फिफ्थ साउंडनेस टेस्ट, सिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक टेस्ट, सेवंथ इन्फ्लोरेंस टेस्ट ऑन ब्रिक्स। स्टूडेंट, वी परफॉर्म एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक्स। स्टूडेंट, वी टेक वन ब्रिक सैंपल एंड वेट इन ड्राई कंडीशन। आफ्टर दिस सैंपल इज प्लेस्ड इन वाटर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स इन ब्रिक सैंपल इज वेटेड। स्टूडेंट्स, वी फाइंड डिफरेंस बोथ कंडीशन इन ड्राई एंड वेट। स्टूडेंट, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स एब्जॉर्प्शन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ वेट इन ड्राई ब्रिक्स। वी टेक वाटर एंड प्लेस इन ब्रिक 24 आवर्स। स्टूडेंट, सेकेंड टेस्ट वी परफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। दिस टेस्ट इज फाइंड आउट द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। दिस टेस्ट इज परफॉर्म कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। वी टेक ब्रिक सैंपल इज प्लेस्ड इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन एंड अप्लाई लोड। स्टूडेंट, वन टाइम इज ए फेल इन ब्रिक्स। दिस टाइम ब्रिक्स फेल, वी टेक लोड राइट डाउन। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 3.50 N/mm². स्टूडेंट, इफ इट इज लेस देन नॉट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। स्टूडेंट, कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन, वी टेक सैंपल एंड पुट द लोड एंड 3.50 N/mm² आफ्टर फेलियर दिस सैंपल। नेक्स्ट टेस्ट है हार्डनेस टेस्ट ऑन ब्रिक्स। स्टूडेंट, दिस टेस्ट इज ए नॉर्मली एंड दिस टेस्ट परफॉर्म नॉट रिक्वायर्ड एनी मशीन। वी टेक ब्रिक सैंपल एंड निडल और फिंगर नेल बाई मेक स्केच ऑन ब्रिक। इफ देयर इज नो स्क्रेच ऑन ब्रिक देन इट इज सेड टू बी हार्ड ब्रिक एंड अदरवाइज दिस ब्रिक इज ए नॉट यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। स्टूडेंट, नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म शेप एंड साइज टेस्ट ऑन ब्रिक। शेप एंड साइज टेस्ट ऑफ ब्रिक आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। ऑल ब्रिक यूज फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी ऑफ सेम साइज। दिस टेस्ट इज द फाउंड इन करेक्ट डायमेंशन ऑफ ब्रिक। वी आर नो ब्रिक साइज
19 × 9 × 9 cm and we see brick is a rectangular shape. This test is performed. Take 20 bricks and find the length, width and height. Student, if all bricks similar size, then they are qualified for construction work. Student, this sample we take and check for the shape and size test. Next test, color test of bricks. Student, we know bricks color is a red color. If bricks color is different, so brick are weak and not useful for construction. Next, soundness test of brick. Student, this test is a very simple. This test is two brick are take and struck with one other. If struck in brick, sound is clear and brick is not break, so this brick is a good quality and useful for construction work. Next, structure of bricks. Student, we test very simple. One brick take and break two parts. Brick is a two parts convert and see the inner portion of brick. If brick are not empty in inner part, so brick is a good quality. We see diagram, one brick and break two parts and observe this brick. Influence test of bricks. Students, good quality bricks not contain any soluble salt. If soluble salt are these, then it will case inflorescence or brick surface. This test is a perform brick sample take and placed in water for 24 hours. After 24 hours, dry in bricks and observe the brick surface. If there is any white or gray color deposits, then it contain soluble salt and not. Student, we see brick layer after curing process. Find the some salt particles in brick surface. This brick is a weak conditions. Thank you.